हेलो दोस्तों, मैं हूं वैजंती। आइए आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन लगाने के पहले और बाद में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कोरोना ने भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया है। आज हर कोई कोविड 19 महामारी से अवगत है। सभी अपनी अपनी सुरक्षा को लेकर कई उपाय करते दिख जाएंगे। ऐसे में वैक्सीन का बनना और लगना सबसे बड़ी राहत साबित हो रही है, पर कई जगह वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है। वैक्सीन कब लें, कैसे लें, कितनी सुरक्षित है, आइए हम आपको बताते हैं। वैक्सीन पूर्ण सुरक्षित है। यदि आपने नहीं लगवाया हो तो जरूर लगवाएं। कुछ सावधानियां आपको वैक्सीनेशन के पहले और बाद में रखनी चाहिए, जिससे कि आप कई तरह की समस्या से बच सकें, क्योंकि सावधानियां ही सुरक्षा है। आज हम आपको वैक्सीन के फैले भ्रम को दूर करने एवं इसके साइड इफेक्ट और इससे बचाव के सुझाव बताएंगे। कुछ लोगों में वैक्सीन के आम साइड इफेक्ट होते हैं और कुछ लोगों में ये साइड इफेक्ट गंभीर भी हो सकते हैं, जैसे वैक्सीन के बाद बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द और उल्टी आना आम साइड इफेक्ट है। कई बार यही साइड इफेक्ट आपके लिए गंभीर समस्या भी बन सकता है। तो आइए यहाँ हम आपको वैक्सीन से संबंधित कुछ सावधानियाँ बताने जा रहे हैं, जिसे ध्यान में रखकर आप खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। यदि आप शराब या सिगरेट का सेवन करते हैं तो कोविड वैक्सीन लगवाने के कुछ दिन पहले इसका सेवन बंद कर दें। और हाँ, वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ दिनों तक शराब का सेवन ना करें। शराब की थोड़ी भी मात्रा शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से आपको घबराहट जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ध्यान रखें, वैक्सीन लगाने के पहले और बाद में शराब का सेवन ना करें। वैक्सीन लगाने के एक दिन पहले आप अपने शरीर को भरपूर आराम दें, पर्याप्त मात्रा में नींद लें। इससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छी प्रक्रिया देगा। पर्याप्त नींद से आपको वैक्सीन लगने के बाद थकान का अनुभव नहीं होगा। वैक्सीन लगने के एक दिन पहले डिनर में सूप, सलाद, हरी सब्जियां खाएं और सोने से पहले ताजे फल या नट्स खाएं। आपको यह ध्यान रखना है कि खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है, कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए डिनर के बाद सोने में। इससे आपका शरीर वैक्सीन के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर होगा। वैक्सीन लगने के पहले और वैक्सीन लगने के बाद शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, ताकि आपका शरीर हाइड्रेट रहे। आप सादा पानी की जगह नींबू पानी, फल, खीरा भी ले सकते हैं, जिससे आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा। कई बार देखा गया है कि कई लोगों को वैक्सीन लगने के बाद बेहोशी जैसा महसूस होता है। इसके लिए आप वैक्सीन लगवाने के पहले ध्यान रखें कि आप खाली पेट ना हो, आपका पेट भरा रहे और लिक्विड डाइट लेते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। अगर आपको वैक्सीन के बाद घबराहट महसूस हो रही है तो आप दही और केला खाएं। आप हरी सब्जियों और फलों के जूस पी सकते हैं, इससे आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी और घबराहट भी नहीं होगा। ध्यान रखें, वैक्सीनेशन से किसी भी साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है, इसलिए खाने में ध्यान दें। वैक्सीनेशन के बाद आपको कुछ दिनों तक आराम की जरूरत होती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें, कोई भारी काम ना करें, शरीर को ज्यादा ठंडे में जाने से बचाएं। इस तरह आप अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप में वैक्सीन की अच्छी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। धन्यवाद।